गाइस कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर हो आफियत से होंगे। तो गाइस आज की सीन कुछ यूं है कि मैं अपनी गंदम को पानी लगाने आया हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो भी बनाया जाए और आपको भी बतलाया जाए क्या खेती बाड़ी करना आसान है या मुश्किल। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। गाइस अगर सर्दी की बात करें तो अपने कंबल और लिहाफ छोड़ना बड़ा मुश्किल है और मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त जो सर्दी है वो शिद्दत से पड़ रही है और मेरे जो हाथ है वो सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं पीछे मेरे जो ककर, हम आम जुबान में जिसे ककर बोलते हैं, और वो भी बारिश की तरह ऐसे जैसे फंवार सी होती है ना, उस तरह का होता है, वो नीचे गिर रहा है। गंदम को पानी लगाने से पहले आप खाद ज़रूर दे लिया करें, क्योंकि उससे जो है औसत पैदावार जो है वो बढ़ जाती है और आपको जो पहले से वो कहीं ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो इसलिए एक बोरी अगर आपके पास एक एकड़ है या एक एकड़ के हिसाब से आप एक बोरी अपने एक एकड़ में जरूर फेंकेगा, जिससे आपकी पैदावार लाजमी बढ़ेगी। मेरे पीछे दरख्त है, ये आम का दरख्त है और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जब हम आम तोड़ने यहाँ पर आए थे। और वो क्या यार गाइस, इस आम का क्या खसूसियत बताऊँ आपको, जब हर साल हम जब इसकी पैल डालते हैं यानी कि उसको पकाते हैं, तो इतने मज़े का आम ये बनता है, शायद ही हम आपको या मुझे बाज़ार से वो आम इतने मज़े का मिल सके। और ये इसी आम से मैंने वो लास्ट टाइम भी एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, वो उसका लिंक मैं ऊपर दे डालूँगा, आप वो भी देखिएगा, बहुत ही मज़े का वो भी व्लॉग है। और ये जो आम का दरख्त है इसे दुशहरी आम कहते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। अगर इसे कोई एक दफ़ा खा ले तो वो बार बार उसकी यही ख्वाहिश होगी कि यार मुझे दोबारा ये। सीन्स कुछ यूँ है कि तकरीबन 12 का टाइम हो गया है और अभी तक सूरज का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो देखते हैं क्या सीन बनता है आज। तो गाइस तकरीबन 60% जो लोग हैं वो ज़रा से वाबस्ता है, तो पाकिस्तान की मुईशत में ये एक बहुत बड़ा इसका किरदार है और तकरीबन ये पाकिस्तान की मुईशत में रीढ़ की हैसियत रखती है। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है, ये एहतियाज भी है, चूँकि तकरीबन 60% जो लोग हैं वो ज़रा से वाबस्ता है, तो आपको चाहिए कि अपने जो किसान हैं उनको फैसिलिटेट करें। कैसे? तकरीबन आप जो लास्ट टाइम अगर गंदम का हम हिसाब लगा लें तो तकरीबन जो हमारा आर्थिक तबका था उसने जो किसानों से तकरीबन 1200-1300 रुपये मन जो है गंदम वो ख़रीदी थी, लेकिन उसी गंदम को उन्होंने तकरीबन 2200-2400 के लगभग उसको सेल किया। जो लास्ट टाइम जो अगर गंदम की बात करें तो काफ़ी कम गंदम हुई, जो हमारे इलाके में भी काफ़ी गंदम हुई है। इसके बाद अगर जो गवर्नमेंट है वो बजाय इसके कि जो बैरूनी ममालिक है दूसरे ममालिक से वो जो गंदम है इम्पोर्ट करती है, उसके बजाय वो अपने किसानों को फैसिलिटेट करे। कैसे? कि अगर उसका रेट वो अच्छा देती है किसानों को तो जहरी सी बात है आरती भी उसको अच्छे पैसे दे। लास्ट टाइम भी तकरीबन 1400 रुपये मान, 1450 रुपये मान गंदम जो गवर्नमेंट ने वो मुख्त किए गए थे, लेकिन आरती ने जो आरती तबका है उसने 1200-1300 रुपये मान गंदम खरीदी, लेकिन जो फ़ायदा हुआ वो आरती को हुआ और जो हमारे किसान हैं वो बेचारे वही के वही रह गए। और जो आम किसान हैं डायरेक्ट उनको फैसिलिटेट करे। इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि जनाब हमने जो खाद है उस पर सब्सिडाइज कर दिया, ये कर दिया, वो करे, कुछ नहीं करते यार। ये जो आपकी मुईशत में रेट की हैसियत रखते हैं उसको आप फैसिलिटेट नहीं कर रहे, बजाय इसके कि आप उसको फैसिलिटेट करें आप दूसरे ममालिक के जो किसान हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए अगर ये तो एक यार गंदम है, गंदम में तो ज़्यादा डीजल नहीं खपता और ना ही इतनी ज़्यादा आपकी जो कह लें कि अद्वियात खपती है और ना ही आपकी खाद खपती है, लेकिन इसके बदले जो मुंजी की जो फसल है जो जिससे चावल बनते हैं वो वाली फसल, उस पर काफ़ी किसानों के तकरीबन लागत आती है, तब वो डीजल की जो रेट है तकरीबन 127 रुपये, 28 रुपये, 130 रुपये तक चली जाती है। लेकिन क्या है जब वो सीज़न आउट होता है तो जो हमारा डीजल है वो भी सस्ता हो जाता है और जो हमारी खादे वगैरह जो अद्वियात है वो भी सस्ती हो जाती है। तो ये क्या हमने तमाशा बना रखा है अपने किसानों के साथ, जो कि हमारी मुईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हमने उनके साथ क्यों जो सौतेली माँ का जो रवैया वो रवा रखा हुआ है। इसके बाद अगर जो किसान हमारे वो मंडियों तक फसल ले जाता है, जो हमारी सड़कें हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार है, तो हम क्या अपने किसानों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? तो एक मिसाल नहीं है, यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मिसाइल है, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उन मिसाल को टैकल करे, क्योंकि वो अगर किसानों को हमारे किसानों को फैसिलिटेट करेगी, अपने पाकिस्तान के किसानों को फैसिलिटेट करेगी, तो जहरी सी बात है जो हमारी मवेशियत है वो अप होगी। इसके लिए मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करता हूँ वो डायरेक्ट हमने किसानों को वो फैसिलिटेट। तो गाइस तकरीबन 5 घंटों के बाद मैं हो गया हूँ फ्री, तो अब चलते हैं अपने घर की जानब
और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।